कहना चाहूंगा कि ये माना कि देश में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यकीन मानिए ये चिंताजनक स्थिति जरूर है, मगर उतनी भयावह नहीं जितनी भयावह हो सकती थी, क्योंकि और देशों के मुकाबले में अगर हम देखें तो ये संख्या उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारा और आपका आत्म अनुशासन। हमने पहले जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन में अपने को जिस तरह से घरों के भीतर कैद करके रखा है, शासन और प्रशासन की सारी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया है। यही नहीं, स्वास्थ्य कर्मी समय समय पर जो भी हमें हिदायत देते रहे हैं हम उसका परिपालन करते रहे हैं। मसलन बार बार हम हाथ धोते हैं, घंटे, एक घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे के भीतर आसपास स्वच्छता का पूरा वातावरण बनाए रखते हैं, यानी कि अपने को पर्सनल हाइजीनिक यानी व्यक्तिगत स्वच्छता का खूब ध्यान रखते हैं, खाना बनाते समय भी खूब सफाई का ध्यान रखते हैं। भीड़ अब हो ही नहीं रही है क्योंकि लॉकडाउन है, मगर 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 हुजूर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अभी भी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर हमारा युवा वर्ग, जो बेवजह या फिर बिना किसी काम के सड़कों पे निकल आता है, खड़ा होता है, गप्पे मारता है और अपनी अपनी जो जानकारियाँ हैं अधकचरी अधपक्की उन्हें एक दूसरे में बांटता है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो यकीन मानिए आप संक्रमण को अपने घर के भीतर लेकर आते हैं और जो लोग घर के भीतर हैं उन्हें संक्रमित करते हैं, और फिर आप दो घंटे के बाद जब बाहर निकलते हैं ना तो वो संक्रमण न जाने कितने लोगों में फैलाते हैं। प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, अनावश्यक रूप से घर के बाहर मत निकलिए। सरकार देखिए क्या कर रही है, घर पे हमको राशन दे रही है, घर पे ईंधन दे रही है, जो लोग नौकरी में हैं बिना छुट्टी के घर पे रह रहे हैं उन्हें तनख्वाह मिल रही है, और जिनके पास पैसा नहीं है गरीबों के उनके खाते में पैसा दे रही है, और हमसे सिर्फ एक उम्मीद कर रही है कि हम सब अपने घरों में बैठें चुपचाप और इस वायरस से यानी कि कोरोना से लड़ने में सरकार की मदद करें। हमारी लड़ाई सरकार लड़ रही है, ये वो कर रहे हैं, चिकित्सा कर्मी कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, और सरकार हमसे सिर्फ इतना सहयोग चाहती है कि हम खामोशी से अपने परिवार के साथ उन्हें जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें हम मुश्किल में नहीं देखना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए कीमत रखती है, उनके साथ घरों में बैठकर एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हम वो भी नहीं कर पा रहे, क्या करेगी सरकार? खतरनाक हो जाएंगी स्थितियां अगर हम आप नहीं संभले। तो प्लीज़ घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों की जान बचाइए, क्योंकि हमारी ज़रा सी गलती पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। हमारे आसपास बीमार ही बीमार हों और उन्हें इलाज न मिल पाए ये आप नहीं चाहेंगे, आपकी वजह से पूरा मुल्क मुश्किल में पड़े नहीं चाहेंगे ना आप, क्यों निकलते हैं बाहर? प्लीज़ घर में रहिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर ये विनती है। मैं घर में हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूं, मैं सिर्फ इतना ही सहयोग अपनी सरकार का कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं, मुझे पता है आप भी कर रहे हैं।